हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्या, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो हमने हमारा चैप्टर स्टार्ट कर रखा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, जिसके अंदर मैंने आपको क्या क्या सिखा दिया है। सबसे पहले हमने बात कर ली थी कि भाई एडमिशन जब होगा एक नए पार्टनर का तो बेसिकली हमारे क्या क्या चेंजेज होंगे, और इसी के साथ ही जब भी एडमिशन होगा तो हम क्या करते हैं, जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो निकल के आएगा, या मैं ये कहूँ कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले दो पार्टनर थे और अब एक पार्टनर और आ गया तो अभी तीन हो गए। अब तीन पार्टनर हो गए तो पहले जो प्रॉफिट दो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता था अब वो तीन के बीच में होगा, तो भी आपका जो प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो तो आपका कैलकुलेट हमें करना ही पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमें निकालना पड़ेगा। इसी के साथ ही फिर हमने और क्या सीखा था कि भी एक नए पार्टनर के आने से क्या होगा, जो ओल्ड पार्टनर है उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो इसलिए हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो भी निकालना हमने सीख लिया। हमने बात की थी कि जब भी हमारा एक नया पार्टनर आएगा, जब भी एक नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो वो अपने साथ दो चीजें लेके आएगा। क्या लेके आएगा? एक तो वो कैपिटल लेके आएगा, ठीक है। व्हेनेवर अ न्यू पार्टनर, जब भी एक नया पार्टनर आएगा उसकी एंट्री होगी तो क्या होगा, दो चीजें क्या लेके आएगा, एक तो वो लेके आएगा कैपिटल, ठीक है। सेकेंड वो क्या लेके आएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये दो बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। कैपिटल वो क्यों लेके आया, क्योंकि कैपिटल लेके आया कि अब उसको, हमने स्टार्टिंग में हमने बात की थी, जब एडमिशन होगा एक पार्टनर का तो उसको दो राइट मिलेंगे। एक तो उसको राइट मिलता है एसेट को शेयर करने का, वो राइट बेसिकली इसको क्यों दिया गया, क्योंकि भाई वो गुडविल लेके आया, वो कैपिटल लेके आया है। सेकेंड उसको राइट किस में मिलेगा कि इन फ्यूचर जो भी प्रॉफिट होंगे उसमें भी एक नए पार्टनर का भी हिस्सा होगा, तो उसके लिए ताकि भी अब वो आगे से प्रॉफिट में उसका नए पार्टनर का भी हिस्सा होगा, तो इसलिए हम उससे मंगाते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वो लेके ये गुडविल का पैसा है एक तरह से, ये जो गुडविल है किसको मिलेगी, जो हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे उन्हीं को ये गुडविल का प्रीमियम फॉर गुडविल है वो दे दिया जाएगा। किस रेशियो में दे दिया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसके जो सेक्रीफाइस रेशियो है उसी में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज हम बेसिकली क्या सीखेंगे कि जो वो गुडविल लेके आया है तो उसका ट्रीटमेंट हमारा क्या होगा, क्या क्या हमारी जर्नल एंट्री होगी, और कई आपकी सिचुएशन होगी कि भी जो गुडविल है कई बार वो हो सकता है कैश में लेके आए, कई बार वो हो सकता है कि भी वो कैश में ना लेके आए, ठीक है, या फिर प्राइवेटली भी वो क्या कर सकता है, जो पार्टनर्स है उसको गुडविल की पेमेंट कर सकता हो। तो सभी बातें जो मैंने अभी आपको बताई है धीरे धीरे करके अच्छे से डिटेल में हम इनको सीखेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देर मे बी थ्री सिचुएशन रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब भी एक नए पार्टनर का एडमिशन होगा तो वहां पर तीन सिचुएशन हो सकती है। तीन सिचुएशन हमारी किससे रिलेटेड हो सकती है, गुडविल से रिलेटेड हो सकती है। वो कौन कौन सी हो सकती है? फर्स्ट केस हमारा क्या हो सकता है, फर्स्ट सिचुएशन क्या हो सकती है, When, ठीक है, मैं अच्छे से लिख देती हूँ, आप लोग नोट्स चाहो तो वो भी बना सकते हो अपने साथ के साथ। When the amount of the goodwill is paid privately, ठीक है, When the amount of goodwill, या फिर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, प्रीमियम फॉर गुडविल, या फिर मैं इसको यहाँ पे प्रीमियम भी लिख सकती हूँ, ठीक है। When the amount of the goodwill paid privately, तीन सिचुएशन हमारी क्या क्या हो सकती है। एक सिचुएशन हो सकती है कि भी जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो उसने क्या किया, चुपके से छुपके से जो पार्टनर्स है उनको दे दिया, ठीक है, ऐसे नीचे नीचे उनको दे दिया। सेकेंड हमारी सिचुएशन क्या होगी, सेकेंड है व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है, जब हमारा नया पार्टनर्स है वो कैश लेके आया है, कैश में अगर वो लेके आए, व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। और थर्ड सिचुएशन हमारी क्या हो सकती है, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है, मैं लिखी देती हूँ पूरा, एक मिनट रुकना, इसको लिखी देते, ठीक है, अगर किसी बच्चे को नोट करना हो तो। तीन सिचुएशन फर्स्ट मैंने लिख दी, सेकंड क्या थी, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है, सेकेंड हमारी ये। थर्ड क्या है, थर्ड हमारी व्हेन द न्यू, जब जो नया पार्टनर, थर्ड सिचुएशन क्या होगी, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन
कैश, ठीक है। तो भी तीन सिचुएशन आपकी बनी, तीनों को डिटेल में हम करेंगे। तीनों के केस में आपकी जनरल एंट्री क्या होगी वह मैं आपको बताऊंगी। तो अब देखिए फर्स्ट केस क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल या फिर प्रीमियम फॉर गुडविल भी आप लिख सकते हो, पेड प्राइवेटली। जब भी आप, जब भी जो नया पार्टनर है वो क्या करेगा, जो गुडविल का अमाउंट है, प्रीमियम फॉर गुडविल है, उसका जो अमाउंट है वो ओल्ड पार्टनर्स को या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को क्या करेगा, प्राइवेटली पेमेंट कर देगा, ऐसे छुपके से दे देगा उसको, ठीक है भाई, बस उनको पता है। तो उस केस में हमारे बेसिकली क्या होगा, यहाँ पे नो एंट्री, ठीक है। अगर आपका क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है कि भाई पार्टनर्स ने यहाँ पे जो पेमेंट की है, पे किया है अमाउंट सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, वो कैसे किया, प्राइवेटली, तो उस केस में आपको क्या करनी है, नो एंट्री, ठीक है, कोई भी एंट्री आपकी नहीं होगी। उसके बाद सेकंड क्या है, व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर नया पार्टनर ने क्या किया, जो गुडविल का जो शेयर है वो लेके आया किसमें, कैश में, तो अब यहाँ पे होगी हमारी दो एंट्री। दो एंट्री कौन सी होगी, फर्स्ट एंट्री होगी जो पैसा आया, ठीक है, प्रीमियम का जो पैसा आया, तो उसके लिए एंट्री क्या होगी, बिजनेस के अंदर कैश आया, कैश या फिर बैंक अकाउंट, आप क्या करोगे, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, फर्स्ट एंट्री होगी आपकी प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, जितना भी अमाउंट है गुडविल का। उसके बाद यहाँ पे आप लिख दोगे कि भाई कैश आया। उसके बाद हमें पता है कि प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो ये गुडविल का पैसा है, ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। तो अब हम फाइनली इसको ट्रांसफर कर देंगे कहाँ पे, सेकेंड एंट्री में, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के पास, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री होगी क्या, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, टू क्या आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ये आपको लिखना है यहाँ पे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, टू सेक्रीफाइसिंग, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो ये आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री होगी। और किस रेशियो में, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल जो आया है, ये किस रेशियो में आपका बटेगा, ये होगा आपका जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड केस में। अब इसी के साथ ही सेकंड जो आपका है, व्हेन द न्यू पार्टनर्स ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ द गुडविल इन कैश, इसी में अगर यहाँ पे एक थोड़ा सा एक जनरल एंट्री हमारी और एक्स्ट्रा होगी, कब, अगर पार्टनर्स, देखिए अगर पार्टनर्स यहाँ पे, अगर पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि भाई वे गुडविल का जो पैसा है उसको बिजनेस में ही रखेंगे, तब तो आप ये दो एंट्री कर दोगे जो मैंने आपको बताई, ठीक है। इसके अंदर भी आपके दो केस है, व्हेन द गुडविल रिटेन इन बिजनेस एंड नोट, ठीक है। एक बार उन्होंने क्या किया, बिजनेस के अंदर उसको रिटेन कर लिया, और एक बार उन्होंने विड्रॉ कर लिया, ठीक है। सेकेंड केस हमारा क्या होगा, विड्रॉ द गुडविल। अब देखिए अगर हमारा एक तो है क्या, रिटेन कर लिया, एक तो रिटेन कर लिया गुडविल को, और एक कर लिया विड्रॉ। अगर पार्टनर्स ने डिसीजन लिया कि वे गुडविल को रिटेन करके रखेंगे बिजनेस के अंदर, तो तब आपको ये दो जनरल एंट्री करनी है। लेकिन अगर पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई हम जो गुडविल है उसको विड्रॉ करेंगे, निकाल लेंगे, तब वहाँ पे आपको वन मोर जनरल एंट्री और करनी होगी। और वो जनरल एंट्री क्या होगी, वो थर्ड एंट्री होगी विड्रॉ करने की, निकालने की। तो निकालेंगे तो सीधी सी बात है, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट है, जब उनको मिली थी, हमने उनका कैपिटल अकाउंट क्या किया था, क्रेडिट किया था। अब वे यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो अब उनका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, जो भी पार्टनर्स यहाँ पे विड्रॉ करेगा, ठीक है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और जितना भी अमाउंट वे निकाल लेंगे तो टू कैश या फिर बैंक, ठीक है। अगर सारी के सारे उन्होंने निकाल ली है गुडविल जितना पैसा आया था, तो वो यहाँ पे अमाउंट लिख देना। अगर हाफ, जैसे कि मैं बोलती हूँ जो नया पार्टनर है ना, वो 10,000 रुपये लेके आया था गुडविल के, ठीक है, अगर वे बोलते पूरे 10 के 10 निकाल लिए, तो भी 10 से हम कर देंगे यहाँ पे। अगर बोलता कि भाई हाफ निकाल ली, कि भाई 5,000 गुडविल निकाल ली और 5 हमारी बची हुई, तो जितना भी अमाउंट होगा उसे हम क्या कर देंगे, जनरल एंट्री हम कर देंगे, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ना, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थर्ड केस हमारा क्या, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कई बार हमारा क्या होगा, जो नया पार्टनर है वो अपना जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कैश में नहीं लेके आएगा। अब कैश में नहीं लेके आएगा तो भाई अब क्या करें, देखिए ना तो उसने प्राइवेटली पेमेंट की, ना वो कैश में लेके आया, तो उस केस में यहाँ पे जो जनरल एंट्री होगी, मैं यहीं पे करके दिखा देती हूँ, उस केस में जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी, अब आपको यहाँ पे डायरेक्ट क्या करना है, जो न्यू पार्टनर है, ठीक है, ये जो थर्ड केस है इसकी जनरल एंट्री है। अब आपको जनरल एंट्री क्या होगी, जो न्यू पार्टनर है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको क्या करना होगा, डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। ये आपकी होगी जर्नल एंट्री कब, जब हमारा जो न्यू पार्टनर है अगर वो क्या करता है, अगर वो कैश में लेके नहीं आ रहा है तो उस केस में आपको क्या करना होगा, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट आपको डेबिट करना होगा, ठीक है, जितना भी उसका गुडविल का शेयर है उतने अमाउंट से। और इसी के साथ ही हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स है, ओल्ड पार्टनर स्पेसिफिक कौन से पार्टनर, जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग वर्ड मैंने यहाँ पे क्या लिखा, क्यों लिखा है, अगर आप यहाँ पे लिखते हो ना ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो कई बार आपका क्या होता है कि भाई ओल्ड पार्टनर में तो सभी आ जाएंगे, लेकिन कई सिचुएशन में क्या होगा कि कोई ओल्ड पार्टनर ऐसा हो जिसने सेक्रीफाइस ही नहीं किया हो, और ओल्ड पार्टनर अगर हम यहाँ पे लिखेंगे इट मीन्स उसमें तो फिर वो भी आ जाएगा, या फिर हो सकता है कई बार ओल्ड पार्टनर भी गेन कर लेता है। तो इसलिए आपको याद रहे ताकि, ठीक है, कि भी जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है उस पर किसको मिलता है, वो सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलता है, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसी को यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल मिलेगा, और किस रेशियो में, सीधी सी बात है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही उसको मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको बात याद रखनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब हम करेंगे गुडविल का, तो ये तीन सिचुएशन आपकी, तीन कंडीशन आपकी हो सकती है, और इन तीनों कंडीशन के बेस पर आपको देखना कौन सी कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पे जर्नल एंट्री करनी है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ ताकि आपका और अच्छे से ये क्लियर हो जाए, ठीक है, फिर आगे हम धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा, ए एंड बी आर द पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग द प्रॉफिट एंड द लॉसेज, ठीक है। यहाँ पे दो पार्टनर्स है ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, और कितना है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे है आपका 3:2, ठीक है। फिर जो ए और बी है उनकी कैपिटल यहाँ पे गिवन है, कैपिटल आप देख सकते हो यहाँ पे कैपिटल कितनी है, 1,80,000 और 1,40,000 रिस्पेक्टिवली। दे एडमिट एक्स इन अ पार्टनरशिप, एक नया पार्टनर आया एक्स, ठीक है, किस कंडीशन पे आया, दैट ही विल ब्रिंग ₹67,500 एज ए गुडविल, इतने रुपए तो वो गुडविल के लेके आएगा, और 1,50,000 वो एज ए कैपिटल लेके आएगा, एंड विल गेट 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, और उसका जो प्रॉफिट में जो शेयर होगा एक्स का वो कितना होगा, 1/4, ठीक है। Assuming that the capital and the goodwill have been brought in cash, भाई आपको मानना है कि भी जो नया पार्टनर है वो कैपिटल भी लेके आया है और गुडविल भी लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आया है कैश में, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है, फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो आपको निकालना है पार्टनर्स का, वेन द गुडविल इज रिटेन, तो दोनों कंडीशन इन्होंने दी है, दोनों सिचुएशन आपको माननी क्या, अगर गुडविल को हम रिटेन करते हैं फॉर्म के अंदर उस टाइम हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी, और इसी के साथ ही सेकंड केस आपको मानना है वेन द गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, अगर ओल्ड पार्टनर ने गुडविल है उसको विदड्रॉ कर लिया तो तब हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी, ठीक है। तो अब देखिए दोनों ही केसेस हम करेंगे, अब जो पार्टनर है वो कैपिटल लेके आया है, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी कि भी वो कैपिटल लेके आया है और प्रीमियम फॉर गुडविल है वो लेके आया है, और क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन है कि वो कैसे लेके आया, कैश में लेके आया, तो भी जनरल एंट्री तो आपको आती है, ठीक है। अब वो लेके आया तो भी हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम करेंगे फर्स्ट जो हमारी जनरल एंट्री होगी वो होगी क्या, कैश अकाउंट डेबिट, और क्या क्या लेके आया है, टू क्या क्या लेके आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है और कैपिटल लेके आया है, और पार्टनर कौन है, एक्स, तो एक तो लेके आया है वो अपनी कैपिटल, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अब जो अमाउंट है वो लिख दूं यहाँ पे, कितना लेके आया है, वो लेके आया है उसका कैपिटल कितनी थी, 1,50,000, तो 1,50,000 कैपिटल के लेके आया है एक्स, और गुडविल का पैसे कितना लेके आया है, 67,500, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे कितना हो गया, टोटल हो गया आपका 2,17,500, ये आपकी जनरल एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे आप लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे आप नरेशन लिख दोगे, द अमाउंट ऑफ द कैपिटल एंड द गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रोट इन कैश बाय न्यू पार्टनर। अब सेकेंड एंट्री देखो क्या होगी, सेकेंड, अब उसने कहा है, दो कंडीशन दी थी ना, गुडविल इज रिटेन इन द फॉर्म, और सेकंड केस था हमारा गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, तो पहले हम करेंगे कि गुडविल हमने रिटेन की है, ठीक है। तो उस केस में देखिए, अब हमें पता है जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, तो आपने पूरा क्वेश्चन रीड आउट किया, तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या गिवन था, इसमें जो हमारे पार्टनर थे, जो हमारे ए और बी पार्टनर थे, देखिए इस क्वेश्चन में हमारा क्या गिवन था, ए और बी पार्टनर थे, और एक्स हमारा एक न्यू पार्टनर आया, और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे ओल्ड रेशियो हमारा गिवन है ए और बी का, वो क्या है, हमारा ओल्ड रेशियो है 3:2, ठीक है, 3:2, और जो एक्स नया पार्टनर आया है
वो 1/4 शेयर के लिए आया, 1/4 शेयर के लिए आया। तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो इस क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ये तो मेरे को आप करके दिखाओ, बताना कि भी आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो क्या निकल के आया, ठीक है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर है वो टाइप करना। मेरा मेन काम है आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझाना, गुडविल से रिलेटेड जनरल एंट्री बताना। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल नया पार्टनर लेके आया 67,500, ये किसको मिलेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को। अब इस क्वेश्चन में तो कुछ ऐसा गिवन ही नहीं है कि भी किसने कितना सेक्रीफाइस किया है, या फिर जो एक्स को 1/4 शेयर मिला है वो कैसे मिला, ए ने कितना दिया है, बी ने कितना दिया, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो, अगर आप मेरे साथ ध्यान से अच्छे से अपना जो सिलेबस अगर वो कर रहे हो, ये चैप्टर है, तो जो बच्चा अभी मेरे साथ पढ़ रहा है उसको पता है, मैंने पहले बताया था, अगर आपकी ये कंडीशन गिवन, क्या सिर्फ और सिर्फ जो न्यू पार्टनर है अगर उसका सिर्फ शेयर गिवन है, जो न्यू पार्टनर है अगर उसका शेयर गिवन है और सिर्फ ओल्ड रेशियो गिवन है, तो उस केस में जो आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो किसके इक्वल होगा, ओल्ड रेशियो के इक्वल होगा। इट मीन्स यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है वो क्या आएगा, 3:2। तो यहाँ पे आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन किया हो कि भी सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालिए, तो आपको इस सिचुएशन में भी निकाल के दिखाना पड़ेगा। आपको पता है कि आंसर यही आएगा 3:2, बट फिर भी आपको करना होगा अगर क्वेश्चन में बोला है। लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं बोला है और इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, तो भाई अब आपको यहाँ पे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो की रिक्वायरमेंट है ना, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसका हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो पे। बट अगर आपको पता है, ये पता है कि भाई अगर ये वाली कंडीशन है, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है और सिर्फ ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन है, तो उस केस में हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो ही होगा। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर दूंगी प्रीमियम फॉर गुडविल। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, ठीक है, वो किस में बटेगा, वो बटेगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। अब यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं था, तो दोनों ही पार्टनर हमारे क्या हुए, सेक्रीफाइसिंग। तो नेक्स्ट एंट्री हमारी क्या होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है, टू इज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है, 67,500, और इसको हम किस रेशियो में बांट देंगे, 3:2 रेशियो में, क्योंकि यही हमारा क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, ठीक है। जब आप इसको 3:2 रेशियो में यहाँ पे डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपका 40,500, तो आ जाएगा आपका एज कैपिटल में, और बीज कैपिटल में जाएगा आपका 27,000। आई बात समझ में, ठीक है। तो ये होगी आपकी दो जर्नल एंट्री व्हेन द अमाउंट ऑफ द गुडविल इज रिटेन्ड इन द बिजनेस, जब आप जो गुडविल का अमाउंट है उसको रिटेन करके रखते हो। सेकंड केस क्या था, व्हेन द गुडविल इज विदड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर, अगर ओल्ड पार्टनर्स उसको विदड्रॉ कर लेंगे तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये दो एंट्री तो आपकी सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे आपको वन मोर जर्नल एंट्री पास करनी है, वो जर्नल एंट्री क्या होगी, विदड्रॉ करने की जर्नल एंट्री होगी। तो उस केस में अब आपको एक जर्नल एंट्री और करनी पड़ेगी, और वो कौन सी, हमारी विदड्रॉ की, ठीक है। तो विदड्रॉ कर दो आप, विदड्रॉ कैसे करोगे, अब जिसने, अब यहाँ पे ऐसा जो हमारे ओल्ड पार्टनर है, ठीक है, उन्होंने विदड्रॉ किया है, तो भाई जब उनका उनको हमने प्रीमियम फॉर गुडविल दिया था तो तब हमने उनको क्रेडिट किया था ना, अब विदड्रॉ कर रहे हैं तो अब हम डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, कितना अमाउंट, वही सेम, ठीक है, ए का 40,500, बी का 27,000, और टोटल आपका अमाउंट है गुडविल का 67,500, ठीक है। तो ये हो जाएगी आपकी जर्नल एंट्री, जो आपका बी पार्ट होगा ना, उसमें दो जर्नल एंट्री तो आपकी सेम है, ये तो आपको करनी करनी है, बस आपको एक एक्स्ट्रा और एंट्री करनी है। मैंने यहाँ पे आपको ये एक्स्ट्रा है जो यही करके दिखा दी, आपको प्रॉपर क्वेश्चन करना होगा, ए पार्ट था जो, ए पार्ट में आपको ये दो जर्नल एंट्री करके दिखानी है, फिर आपको बी पार्ट डालना अच्छे से, ठीक है, और उसमें लिखना है कि ओल्ड पार्टनर विदड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो फिर आपको जब बी पार्ट में आप करोगे तो तब आपको दोनों ये एंट्री करनी है और एक एक्स्ट्रा ये और करनी होगी। तो इस तरह से आपका होगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, होमवर्क है। इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है क्वेश्चन के अंदर कि न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो वो कैलकुलेट करना है, तो आप भी जरूर कैलकुलेट करना और अपना आंसर मेरे को बताना। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पे देखिए, ये पूरा क्वेश्चन है, आप अच्छे से करना, जनरल एंट्री मेरे को करके बताना। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, नीति एंड अदिति वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3, दे एडमिटेड जोहन जॉन इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है भाई,
जोन की एंट्री हुई है यहाँ पे वन फोर्थ शेयर के लिए, विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम द नीति एंड अदिति। अब उसको जो ये वन फोर्थ शेयर मिला ना, ये इक्वल मिला है। तो इक्वल मिलने का मतलब क्या है, इक्वल मिलने का मतलब क्या है, जो प्रॉफिट शेयरिंग यहाँ पे जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। आपको यहाँ पे भी अलग से निकालने की जरूरत नहीं है भी, जब क्वेश्चन में स्पेसिफिक मेंशन कर दिया कि भी उसको जो वन फोर्थ शेयर मिला है दोनों ने बराबर बराबर दिया है, तो इट मींस दोनों ने इक्वल यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या निकल के आएगा, 1:1। ठीक है, उसके बाद देखिए, जॉन ब्रॉट रुपीज 5 लाख एज हिज कैपिटल, 5 लाख रुपये वो कैपिटल के लेके आया और 1 लाख है जब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया। ठीक है, 1/4 ऑफ द गुडविल वॉज विदड्रॉन। अब देखिए इसमें यहाँ पे इन्होंने विदड्रॉ किया है, और अब की बार कितना विदड्रॉ किया, 1/4 ऑफ द गुडविल। तो जो आपका 1 लाख है, 1 लाख का 1/4 आप निकाल लोगे, उसने निकाल लिया है। ठीक है, अब आगे देखिए, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री आपको पास करनी है फॉर द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, ऑल्सो कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो मेरे को जर्नल एंट्री करके बताना, और इसी के साथ ही इस क्वेश्चन का आपका जो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो है वो क्या आएगा वो भी मेरे को बताना। तो ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। ठीक है, तो अपना आंसर जरूर टाइप करना और जरूर अपने हाथ से क्वेश्चन सोल्व करना। मैं बार बार बोलती हूँ, अकाउंट्स में आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना अपने हाथ से न्यूमेरिकल करोगे, तभी अकाउंट्स आपको समझ में आएगी, ऊपर ऊपर से देखने पर अकाउंट्स आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में या तो गुडविल का ही हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, अदरवाइज हम गुडविल से ही रिलेटेड अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को, और आपका कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऑल दी बेस्ट, थैंक यू।